वार्ड नंबर 13 के कांग्रेस दल से निगम पार्षद गुड्डी देवी ने नगर निगम के हालातों को देखते हुए नगर निगम को भंग कर देने का सुझाव दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब 2013 में निगम चुनाव जीतकर जनता के बीच आए तो उन्होंने इलाके के लोगों के लिए जच्चा बच्चा केंद्र का जीर्णोद्धार इलाके में वातानुकूलित समुदाय भवन इलाके के लोगों को उपहार स्वरूप दिया, साथ ही गलियों को सुधार, नालियों और कूड़े की परेशानियों से निजात भी दिलाई और इलाके की विधवा महिलाओं को पेंशन, गरीब की बेटी की शादी में मदद के कार्य भी करे। साथ ही कहा कि आज नगर निगम में इस तरह की बदहाली है कि जिन कर्मचारियों ने कोरोना काल में जंग लड़े, कोरोना को फैलने से रोका, सफाई पर ध्यान देते हुए बीमारियों से जनता को समय समय पर निजात दिलाई, आज निगम उन कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहा। 25-25 लाख रुपए मिलता है, क्या कर लेंगे? एक गली बनाई तो दूसरा गली वाला नाराज होगा, तीसरी के बल गली बनाई तो चौथे वाला नाराज। काम करने में असमर्थ है। और सबसे बड़ी मेनली समस्या जो अब आ रही है, जो हमारे सफाई कर्मचारी जो कोरोना काल में भी हमारी मदद करी, सफाई करके कोरोना वॉरियर बने, लेकिन उनको तनख्वाह टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ी इनकी मिलीभगत है, आम आदमी के पार्षद, बीजेपी के पार्षद नूरा कुश्ती लड़ने, कोई भी हाउस ढंग से चलने नहीं देते, क्षेत्र की समस्याओं को लेके जाते हैं, वहाँ उठा नहीं पाते। और उठाने के बाद भी हम यही कहते हैं कि आप सक्षम नहीं हो। मैंने क्या है बतौर निगम पार्षद के, मुझे सीट का लालच